लेकिन लोग कह देते हैं लेकिन करते नहीं। देखो देखो साले हरा पिखा करके भैंसा हुए हैं, कुंडी फैल रही है तालाब में, वैसा साले फैले फैलते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं बात ये नहीं है कि देखिए हम नमक खाते हैं सरकार का, फिर भी दलाली करते हैं, ये अच्छी बात है। नहीं नहीं पोस्टिंग का दे रहा, गौना हुआ है ना, जैसे गौना में हो रहा है तो नथुनी बहुत देखती है, वैसे वर्दी बहुत देख रहा है, वही हाल है। बात ये बेटे देखो फर्ज तीन होते हैं दुनिया में, उस फर्ज के बारे में बताना चाहता हूँ, कहने और करने से बड़ा अंतर है। लेकिन तीन फर्ज आखिर कौन से फर्ज पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ वो तीन फर्ज क्या है। फर्ज होते हैं दुनिया, फर्ज पहला हिदायत है मादर पिता, फर्ज पहला लड़की हो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, उनको यहाँ भी नहीं ठिकाना वहां भी ठिकाना नहीं, कभी कामयाब नहीं होगी। और दूसरा फल ये है कि ईश्वर ने धन दौलत सब कुछ दिया है और तुम आराम से खा रहे हो और एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हो, अपने ऐशो आराम में मस्त हो। कभी पड़ोसी से पूछो कि तुम्हारे घर में खाना है क्या, दिक्कत है भाई, कोई बच्चा परेशान हो। तीसरा फल ये है कि शाम पान के लिए अपने देश की शान के लिए अपने चांद के लिए चले जाए, क्योंकि मुझे कपड़े भी पैक करना है, मुझे शाम तक निकलना है दोपहर। तूने ये भी नहीं बताया कि आज ही तैयार होना है, अच्छा अच्छा। लेकिन देखो मोबाइल स्विच ऑफ बंद होना बंद होने पाए, इस वक्त बिजली हर साल बहुत चल रही है। हाँ नेटवर्क कब चला रहा, क्योंकि जब तक पहुंच ना जाओ, जब तक वहां के अधिकारियों साहब से बात ना करवा दो, तब तक मोबाइल बिल्कुल ओके रहना चाहिए। देखो आगे बढ़ो, हम लोगों की सोच क्या है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, आपके लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें अच्छी तालीम बताओ, उन्हें अच्छा रास्ता दिखाओ, ताकि वो तुम्हारा नाम रोशन करे किसी के बेटे हैं। और इसमें खोरी और दलाली करोगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, लूले लगड़े पिघला समझ लो। यकीन नहीं आता तो जहाँ पेंशन मिलती है वहां जाकर के देखो, जो लोग रिश्वत खोरी और दलाली करते हैं उनकी सूरत देखो जाकर के, चार दिन खाना नहीं खाओगे अगर उनके पुलिस वालों की सूरत देख लोगे। किसी की आंखें लटक रही है, किसका मुंह टेढ़ा है, किसी के लार बह रहे, किसी की गुड़िया हो गए हैं, गुंडे हो गए, ऐसे हो जाते हैं। छोड़ो इन बातों को, मेरा काम समझाने का समझा दिया मैंने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और एक बात सुनो, अभी भी मुफ्ती के द्वारा मुझे खबर मिली है कि भवानी सिंह डाकू का ग्रोह पीड़ित वाले में छुपा हुआ है, इसलिए सुनो। Yeah!
गुजारी देखो लगता है लौंडे को कह रहे हैं तू भी हमारे तरीके से पढ़ना। अरे वर्दी पहने हैं ऐसा नहीं पहना करेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे भुट्टा खाएंगे भूलेंगे क्या। ये लड़का कह रहे हैं लड़का हमारा क्या रहा है पुलिस ऑफिसर बन ऐसा तो नहीं है नकली पुलिस वाला बनकर क्या रहे हम पता लगाएंगे और आप लोग हमारी बेइज्जती पर खींच मार रहे थे हट रहे थे ठीक है चड्ढा जी को नहीं जानते हो हाँ पूरा डंडा डालूंगा अगर हमारे खिलाफ किसी ने हमारी खा दी खींच मार। शिकार था ममता को उठाने के लिए अभी लेकर लिया है हमें लगता है जो शालीन ममता ने आने में कुछ आना पानी तुम्हारे और वो मेरी जान ममता कहाँ है वो ममता कहाँ है ममता भूले में हम पहली है निकालना हम ममता को पूछ रहे हैं जाना चाहता है तुम खाली हाथ में आए हो खाली हाथ से आए हो रास्ते में रंजीत आ गया हाँ ये रंजीत शाह कौन है वही पीके राठौर अपने मानपुर थाने में इंस्पेक्टर है उसी का लड़का जिसका नाम रंजीत है पीके राठौर का बेटा वो हर जगह इंस्पेक्टर यहाँ ड्यूटी कर रहा है या कि अपने बेटे को गोटाई करवाने लाया है विजय सिंह अभी और इसी वक्त तुम थाने जाएगा और जाकर पीके राठौर से कह दो ये दादा ठाकुर का इलाका है यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर रहे और अपने बेटे को थोड़ा बांध कर रखे वरना कहीं ऐसा ना हो अपने बेटे से उसको हाथ धोना पड़ जाए ठीक है मैं उससे मिल लूंगा। हर वो सारा रंजीत सिंह बड़े हाथ से ममता को छीन लिया है उसके बारे में आपको जरूर सोचेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बेटी ममता यह गाने लगे पिताजी ओ, तुम अभी एक हफ्ता पहले यहाँ बात से पढ़ाई करके आई हो और लगता है फिर कहीं जाने की तैयारी है सिर्फ पिताजी बोलो चाहती हूँ अभी तारा जितना दिल चाहे उतना कहो क्योंकि पढ़ाई में हम तुम्हारी डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमारी इकलौती बेटी हो बेटी तारा लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ बेटी तारा यानी कि आगे की पढ़ाई तुम यानी कुछ और पढ़ना चाहती हो लेकिन तुम यहाँ बात चाहिए हो अब आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ और कहां पे पढ़ूंगा चाहती
पढ़ाई करा कर रहा है। बोलो